सासु माँ, आपने तो एकदम बुफे लगा दिया, तो बजट बढ़ गया होगा। आज बजट बजट नहीं देखना, आज मैं बहुत खुश हूँ, सबकी पसंद की चीजें बना रही हूँ। अरे वाह, बर्थडे आपका, अब पसंद की चीजें बाकी होगी। मुझे खाने में नहीं खिलाने में ज्यादा मजा आता है, बच्चे खुश तो मैं खुश। सासु माँ, आपके ऊपर ना एक मदर इंडिया और बननी चाहिए। अरे मदर इंडिया क्यों, आपके ऊपर तो बहुत सारी फिल्में बन सकती है, सासु माँ द ग्रेट, परम भक्त सविता जी, और भी। अरे आप में तो कितनी क्वालिटी है सासु माँ। अरे अभी तो हलवा भी बन रहा है, वो देखिए हलवा, वो मैंने अपने लालच में बनाया है। बच्चे हर साल की तरह केक ले आएंगे। मुझे केक पसंद नहीं है ना, मतलब हलवे पे कैंडल लगा के हलवा कटिंग होगा। अभी ये फोन कटिंग नहीं कर सकते सासू माँ, उठा ले। अदिति का ही होगा, अब बीवी का फोन थोड़ी ना काट सकते। बात कीजिए। खाओ मम्मी जी, इतना सारा खाना, वो भी अलग अलग वैरायटी। घर में जितने लोग उतनी वैरायटी, सबके मनपसंद की एक एक चीज बनाई है। कुरियर। मैं देखती हूँ, तुम जाके तैयार हो जाओ। मिस माया के लिए पार्सल है। पर आया मेरे लिए। पर कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे नाटक कर लूंगी जैसे मुझे कोई खबर ही नहीं है। प्लीज सेंड दीजिए। सब मेरे लिए सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं। मदद करो कुछ भी? नहीं नहीं नहीं। पापा, मैं कहता हूँ चलते हैं ना, आज मम्मी का बर्थडे है। नहीं नहीं रुक जा, थोड़ा काम है मुझे। डॉक्टर ने तो वैसे भी आपको कम काम करने के लिए कहा है, चलिए घर चल के आप आराम कीजिए, चलिए। अरे काना, कोई मेरा एक पार्सल आने वाला है, आने दे फिर चलते हैं। देखते हैं कौन देगा तुम्हें तुम्हारा मनपसंद उपहार। क्या बोल गई माँ, उम्मीद अपेक्षा किससे करनी है किससे नहीं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखिए पार्सल को अच्छे से पैक कर देना। नहीं नहीं, घर पे नहीं, दुकान पे भेजना, मैं वहीं रहूंगा। ओ, कहीं माँ इनकी तरफ तो इशारा नहीं कर रही थी। सालों बाद इस बार मेरे जन्मदिन पे ये मुझे कोई तोहफा देने वाले होंगे। लाला जी आपकी पार्सल आया। हाँ वो पार्सल, ये पैसा मैंने पहले ही दे दिया था, जा सामान निकाल लो। मम्मी, वैभव, मम्मी कहाँ है? श्रेया ने फोन करके यही बुलाया था, बोला था कि मम्मी गाड़ी के सामने आ गई है। हाँ हमें भी यही बुलाया था। कहीं नजर नहीं आ रही है मम्मी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ए भाई, लगता किसी के मम्मी के बर्थडे में आ गए हैं, गलत एड्रेस है यार। श्रेया जी तो हॉस्पिटल में ले गई होंगी ना, देखो कहीं आसपास हॉस्पिटल भी होगा। हेलो, वेलकम, तोशनीवाल परिवार का हार्दिक स्वागत है। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आओ। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे लगता है इनके पास भी गलत एड्रेस पहुंच गया। ये गलत एड्रेस पे ना इनको गलत खबर ही मिल गई है, देखे कैसे खुश हैं ये। अंकल जी, सासू माँ गाड़ी के आगे आ गई थी, इसमें हंसने की क्या बात है, ऐसे वेलकम कर रहे हैं। संजीव जी, ये सब क्या है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
अरे अंकल जी बताइए आप ऐसे से क्या कर रहे हो, टेंशन हो रही है, बताओ मम्मी कहाँ है। श्रेया तुम यहाँ पर, मम्मी कहाँ है? श्रेया तुमने तो कहा था कि सविता का एक्सीडेंट हुआ। हाँ हाँ आप सब एकदम सही जगह पे आए हैं, ये और किसी की नहीं मम्मी जी की बर्थडे पार्टी है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पीछे जाइए, सब पीछे जाइए, जाइए। मैं बताती हूँ मम्मी जी, मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट, आपकी सबसे कीमती चीज, आपका परिवार एक साथ आपके लिए। समधी जी अब आप भी तो इस परिवार का हिस्सा है, आइए आइए मम्मी। एक माँ अपने बच्चों से क्या चाहती होंगी, उनका टाइम ही ना। तो लीजिए आज इन सब का पूरा वक्त सिर्फ आपके लिए। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि सविता गाड़ी के सामने आ गई। हाँ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.